थे एटम बम और केमिस्ट्री, नींद हमें भी आती थी। हेलो फेलो पीपल, निखिल कुश फ्रॉम दिस साइड लाइव सीकर का। आज का जो ब्लॉग है वो मेरे स्कूल के ऊपर है, जो कि इंटरेस्टिंग हो सकता है, होप सो। मुझे क्वेश्चन फी के लिए स्कूल जाना ही था। क्वेश्चन मनी वही यार जो हम सेफ डिपॉजिट स्कूल को पे करते हैं एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, सो वो मुझे लेना था। सो सोचा क्यों ना एक प्रॉपर ब्लॉग ही बनाऊँ, जिसमें मैं टीचर्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकूँ एंड अपने मेमोरीज भी रिफ्रेश कर सकूँ। मैं कल ही शुभलक को बोल दिया था कि वो मुझे पिकअप करने आएगा करके, सो मैं कॉल भी लगाया था तो वो बोले ऑन द वे वो करके, मतलब घर से निकल चुका है वो। सो शुभलक और विशाल आ चुके हैं। हाय शुभलक। हाय निक। चलो चलते हैं। हाँ चलना। जो मेरी स्कूल है ना एक्चुअली लोकेलिटी में एकदम सिचुएटेड है। देख यहाँ जो आगे से जो डाइवर्जन दिख रहा है ना, वहाँ से ही पूरा मेन मार्केट चालू हो जाता है, मतलब सभी यहाँ से बेसिक चीज़ें चालू हो जाती है। और इस साइड जहाँ से मैं आया, दोस्तों ये वही रास्ते यार जहाँ से रोते हुए सभी आए थे यार, बट एक मेमोरीज बना के सभी लौटे। एक्चुअली ऑफिस से हमें ये नो ड्यू फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद में हमें क्वेश्चन भी मिलेगा, तो एक एक टीचर्स के पास चलते हैं। लेट्स गो। सो यार ऑफिस एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर। फूड्स वाले सर पहले ही मिल चुके हैं, सर की पहली सिग्नेचर। इसका भी सर गाइस, फिलहाल का सीन क्या है ना, हम मतलब एंटर तो हुए ऑफिस में, बट वहाँ एक सर बैठे थे स्पोर्ट्स वाले, हमने उनसे तो नोडियो का सिग्नेचर ले लिया, बट उसके बाद में पता चला कि मैनेजमेंट के साथ कुछ टीम मीटिंग की मीटिंग चल रही है फिलहाल, और उसके लिए हमें बाहर बैठने बुलाए। लेट्स वेट। छह टीचर्स की साइन लेनी है, एक की ले ली है, पांच बचे हैं। ओके श्योर। सो संगीता मैम मिल चुके हैं। मैम गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। अब सेकंड सिग्नेचर मैम से नोड यू या ऑटोग्राफ। इंजीनियरिंग मैम। एक्चुअली गाइस सीन क्या है ना, हम टीचर से और इंटरेक्ट कर पाते, बट क्या हुआ ना आज मीटिंग था, उस वजह से टीचर विद अ लिमिटेड टाइम आ चुके हैं, तो हम उतनी बात नहीं कर सकते। फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट स्कूल ने सारी इशेंशियल थिंग हमें प्रोवाइड की थी, उसमें से था टाइकंडो स्पोर्ट्स था, उसके बाद में क्रिकेट ग्राउंड, स्केटिंग ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट स्विमिंग पूल। जहाँ हम लोग बैठे हैं ना उसके सामने एक वॉच लगी है, और वो वॉच को देखिए मुझे मतलब मेरे मन में कुछ पंक्तियाँ उबर रही है। सो मैं 8:30 का समय जिसमें नींद ना आते हुए भी नींद आने लगती थी, साइकिल की अचानक हवा खुल जाती थी, ऐसी अजीब और गरीब हमारे आदतें थी ना। मैम मिल चुके हैं हमें। मैम हमारे बैच को लेके कोई यही दरवाजे जो हमें आज याद आ रहे, लिटरली मोमेंट्स के पिटा रहे थे। ये एक्चुअली प्री प्राइमरी विंग है। यार अगर मैं अपने स्कूल के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि देख सकते हैं आप पूरा ऊपर से ओपन है। इसका बेनिफिट बोलूँ तो इक्वल अमाउंट ऑफ एयर लाइट आती थी, जो कि अपने आप में एक हेल्दी एंड स्टडिंग एनवायरनमेंट देता है फॉर लर्निंग। अब मैं बचपन के किस्से की बात करूँ तो यार मुझे दो चीज़ बचपन की काफ़ी याद आती है। पहला भी किसी का बर्थडे हो तरो चॉकलेट, हाँ हाँ हाँ। सेकंड चीज़ यार हम टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए देते थे, राइट, मतलब कि अपनी कॉपी टीचर्स से चेक करना, रिमार्क की राह देखना, गुड वेरी गुड
एक्सीलेंट मिले तो मोज थी, वरना टीचर अच्छी नहीं, ये बचपन की सोच थी। सर ये वही एरिया था, मतलब जो सबके लिए कॉमन था, मानो असेंबली भी यही होती थी, टीचर्स डे भी, चिल्ड्रंस डे होता था, स्पेशल असेंबली सब यही होता। ये जो कॉरिडोर था ना, हमारे लिए काफ़ी मेमोरेबल कॉरिडोर था। मेमोरेबल कॉरिडोर इन द सेंस यार, मतलब सारी गॉसिप, टांग खिंचाई सब यही पे होती थी एक्चुअली। काफ़ी मज़ा आता था उस समय। आपका भी ऑनलाइन पढ़ाना हो रहा मैम? मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रही हूं। स्कूल में भी कैमरा वगैरह लगा पढ़ा था? स्कूल में कैमरा तो फिलहाल नहीं लगा है, देखो वो फोटो खींच रहा है। अरे नहीं, निखिल अभी शायरी बोलेगा ना, निखिल की शायरी का वेट कर रहे हैं। बोलो बोलो। एक्चुअली गाइज ऑडिटोरियम बंद हो चुका है बिकॉज टाइम हो चुका है, वरना इसमें इतना बड़ा पंखा है, मतलब इतने ज़्यादा हॉर्स पावर वाला कि लिटरली काफ़ी बड़ा है, उसके ब्लेड्स ही बहुत बड़े। गाइज डू यू नो, ये सेम प्लेस एंड सेम लोकेशन थी जहाँ हम सभी इकट्ठा होकर चिल मारते थे। इफ यू लाइक द वीडियो यू नो द ड्रिल, डू हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट। Yes, subscribe. Comment me another.